नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, दिल्ली समेत कई राज्यों को मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अपना रुख बदला है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी ने गर्मी से निजात दिला दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इन राज्यों में एक हफ्ते तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। हल्की बारिश और आंधी के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और वहीं अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। दोस्तों साथ ही दिल्ली में आज बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में तापमान में गिरावट की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान केरल, बिहार के पूर्वी हिस्सों, सिक्किम और असम में हल्की बारिश देखी गई, साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की हालत बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मेघालय, असम के पश्चिम हिस्सों, सिक्किम, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तरी राज्यों की तो दोस्तों राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने का दौर शुरू हो गया है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से देर शाम जयपुर में हल्की बारिश हुई। आंधी के साथ साथ शहर के आसपास को बादलों ने घेर लिया। इससे कुछ ही देर बाद राहत की बारिश होने लगी। इससे तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ गई। वहीं दोस्तों यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी अचानक देर शाम को मौसम बदल गया। अमरोहा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग बुरी तरह झुलस गए, उनकी हालत नाजुक है। इसके अलावा दोस्तों मथुरा, जालौन में ओले गिरे, जबकि कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, अमरोहा में जमकर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन तक यूपी में आंधियां चल सकती है। इसके अलावा दोस्तों केरल के 10 जिलों में रविवार को भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि देश के पूर्वी राज्यों और पश्चिमोत्तर भारत में 21 से 24 मई तक बारिश आंधी की स्थितियां बनी रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों 3 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 9 दिन में कम से कम 29 लोगों की जान चली गई है। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शनिवार को बाढ़ में 4 और लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों यह थे अभी तक के मौसम अपडेट। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से राज्य और कौन से जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके खबरें भी प्रमुखता से दिखा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।